नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आज के इस बुलेटिन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। और ये खबर आजमगढ़ से है, जहां लखनऊ से गाजीपुर तक निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति का हाल जानने पहुंचे आजमगढ़ के किशुनदासपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, देश के विकास के मामले में पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ गया था। इस रोड के बनने से क्षेत्र का विकास होगा। सीएम ने कहा कि निर्माण की प्रगति सेवा से संतुष्ट है, दिवाली तक लोगों इस रोड का लोकार्पण कर तोहफा देंगे। तो ही उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लिए विश्वविद्यालय व हवाई पट्टी भी जल्द शुरुआत की जाएगी। कुल 341 किलोमीटर तक गुर्जर आजमगढ़ के लिए विश्वविद्यालय व हवाई पट्टी भी जल्द शुरुआत की जाएगी। कुल 341 किलोमीटर तक प्रस्तावित इस मार्ग को आजमगढ़ के 4 तहसील के 101 गांव से गुजरना है। लखनऊ समेत 8 जिलों से इस रोड को जाना है, जिसमें आजमगढ़ में करीब 65 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। मुख्यमंत्री ने इस मार्ग को 20 अगस्त 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया था। हालांकि जनपद में 906 हेक्टेयर में फिलहाल 888 हेक्टेयर का अधिग्रहण हुआ है। सीएम पहले भी किसानों से भूमि के अधिग्रहण व मुआवजे की भी बात को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दे चुके हैं। इसमें आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से समीक्षा बैठक में ली। इसके अलावा सीएम ने पुलिस समेत अन्य अधिकारियों से कानून व्यवस्था व विकास योजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली। मुख्य एक्सप्रेसवे हम लोग लोकार्पित करके दीपावली का तोहफा इस क्षेत्र की जनता को दे सकें। इसके साथ ही आजमगढ़ को हमारी सरकार ने एक विश्वविद्यालय भी दिया है। विश्वविद्यालय की प्रोग्रेस के बारे में भी जो लैंड एक्वायर या खरीदने की जो कार्रवाई होनी है, इसके बारे में भी अभी यहाँ चर्चा हुई है। यहाँ पर आजमगढ़ में हम बहुत शीघ्र वायु सेवा भी शुरू करने वाले हैं। अब आजमगढ़ प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वायु सेवा के साथ जुड़ेगा और देश के साथ भी जुड़ेगा। इसके लिए एयरपोर्ट की प्रोग्रेस के बारे में भी जानकारी ली गई। विकास की अन्य जुड़ी हुई योजनाओं के साथ साथ किसानों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए और जो यहाँ की शासन की योजनाएं हैं, उन सब पे भी चर्चा हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन के लिए, इसके बारे में कहा है और हमारा प्रयास होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की समस्या को हम लोग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सामने भी रखेंगे और मैं स्वयं भी केंद्रीय मंत्री मान्य गडकरी जी को इस संबंध में पत्र लिखूंगा कि इन मार्गों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। धन्यवाद। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आजमगढ़ में भी है। पेंशन स्कीम के तहत वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग जनों को पेंशन का जो विशेष अभियान चलाया है, उसमें 1,00,000 से अधिक नए लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। बहुत बड़ा कार्य हुआ है। आप सोचे ना, 1,00,000 लुए लोग जो निराश्रित थे, उनको शासन की योजना नहीं मिल पा रही थी और एक स्पेशल ड्राइव चला करके ये योजना का लाभ यहाँ पर उन लोगों तक पहुँचाने का कार्य हुआ है। लोक कल्याण का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में आजमगढ़ विकास की अपनी एक नई पहचान के साथ देश के अंदर अपने को स्थापित करेगा। और इसीलिए मैं आज केवल इस कार्य के निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर साइट पे आया हूँ, बैठक की है, निरीक्षण किया है और इसके साथ ही आजमगढ़ से गोरखपुर लिंक के कार्य का भी हमने प्रोग्रेस लिए, उसकी समीक्षा की है। मुझे विश्वास है कि सभी कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।